गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टू द क्लास ऑफ सिग्नल एंड सिस्टम 3EC405. आई एम नेहा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एट डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एट इंजीनियरिंग कॉलेज झालावाड़. सो इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द वेरियस सिलेबस कॉन्टेंट्स गिवन अकॉर्डिंग टू द RTU. टुडे वी शैल बी स्टार्टिंग विद योर फर्स्ट यूनिट, दैट इज द बेसिक्स ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम्स and their properties. So first of all, what is a signal? So basically, signal is something which contains any information, a pattern or variation that carries information. ठीक है, जैसे कि एक मैं डेली लाइफ एग्जाम्पल लेती हूँ. यू हैव ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक सिग्नल, ठीक है. उसके अंदर यू हैव येल्लो कलर, रेड कलर एंड ग्रीन कलर लाइट. सो एवरी लाइट हैज़ सिग्निफिकेंस, ठीक है. तो आपके पास जैसे ट्रैफिक लाइट में ऑरेंज, सॉरी येल्लो, ग्रीन एंड रेड इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर, ठीक है, ये है. तो अगर रेड लाइट हुई है तो इसका मतलब है कि आपको स्टॉप हो जाना है, ठीक है. ग्रीन लाइट मीन्स यू शुड गो एंड येल्लो लाइट मीन्स यू शुड बी रेडी टू मूव. ओके, सो दीज थ्री लाइट्स जिसको हम ट्रैफिक सिग्नल बोलते हैं, इट हैज़ द वर्ड कॉल्ड सिग्नल. एंड दीज लाइट्स हैज़ सम इंफॉर्मेशन अबाउट कि आपको चलना है, आपको रुकना है या आपको रेडी होना है. सिमिलरली आपका सिग्नल भी है विच कंटेन्स सम इंफॉर्मेशन विद इट, ठीक है. एंड मैथमेटिकली इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज फंक्शन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विच कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द बिहेवियर और नेचर ऑफ सम फिनोमिना. जिसका मैं एग्जाम्पल दूंगी, जैसे वोल्टेज या आपके करंट सिग्नल्स हैं. इन दिस डायग्राम यू कैन सी दिस, जैसे मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंट करना है मुझे तो ऑब्वियसली आई विल टेक यूज़ ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्री और सम एक्सपोनेंशियल सिग्नल, ठीक है. वो अलग अलग तरह के सिग्नल जिससे हमें मैथमेटिकली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हम आगे सेक्शन में पढ़ेंगे. बट यू कैन सी दिस इज़ सम वेव फॉर्म, इट इज़ इन वाइट कलर एंड अनादर वन इज़ इन रेड कलर, ठीक है. तो एग्जाम्पल मैं ले सकती हूँ वोल्टेज या करंट सिग्नल्स. नेक्स्ट इज अ सिस्टम. अ सिस्टम इज समथिंग विच टेक्स योर इनपुट सिग्नल, प्रोसेस इट एंड गिव्स योर अगेन आउटपुट सिग्नल, ठीक है. तो सिस्टम रिस्पॉन्ड्स टू पर्टिकुलर सिग्नल बाय प्रोड्यूसिंग अनादर सिग्नल और सम डिजायर्ड बिहेवियर. अब ये सिस्टम इट कैन बी लाइक एनीथिंग, ठीक है. अगर मैं सपोज इनपुट में साइन दे रही हूँ और अगर मुझे आउटपुट में कॉस वेव मिल रहा है, दैट मीन्स व्हाट इट इज़, दैट मीन्स इट इज़ आइदर अ डिफरेंशिएटर और एन इंटीग्रेटर, ठीक है. अगर मुझे सेम साइन का अगर मुझे कॉस मिल रहा है, दैट मीन्स इट इज़ अ डिफरेंशिएटर, ठीक है. या तो दैट डिफाइन्स योर सिस्टम, ठीक है. एग्जाम्पल के तौर पर सर्किट इज़ अ सिस्टम फॉर वोल्टेज एंड करंट सिग्नल्स, ठीक है. आपके वोल्टेज एंड करंट इनपुट्स आप दोगे, कोई भी एक आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है और अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट बाहर मिलेगा उसमें. फॉर एग्जांपल रेजिस्टर हो गया, जो कि एक सिंपल सर्किट का एग्जांपल है, सर्किट एलिमेंट का. एंड सिस्टम्स आर डिज़ाइंड टू एनहेंस और रिस्टोर योर सिग्नल्स, ठीक है. कई बार क्या है, जैसे आप देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन लिंक में रिपीटर्स लगे रहते हैं. रिपीटर्स मतलब कोई भी आपका सिग्नल ट्रैवल करके आ रहा है बहुत दूर से, तो विद डिस्टेंस एंड विद टाइम इट फेड्स, उसका जो भी वैल्यू है वो कम हो जाता है. तो उसको बूस्ट अप करने के लिए आप रिपीटर्स लगा के रखते हो. तो वो एग्जांपल आ गया आपका एनहेंस करना या रिस्टोर करना सिग्नल. इसके एग्जांपल्स हैं जैसे नॉइस कैंसिलेशन है, सैटेलाइट इमेजिंग. सैटेलाइट इमेजिंग का अगर मैं बताऊं तो सैटेलाइट से जो भी आपकी इमेजेस आती हैं, दैट इमेजेस आर नॉट वेरी क्लियर, बहुत क्लियर नहीं होती हैं, वो बहुत ब्लर्ड होती हैं. उस इमेज पे आप यू डू द प्रोसेसिंग विद दैट इमेज, ठीक है, और फिर आप उससे एक क्लियर पिक्चर एक्सट्रैक्ट करते हैं. सो वो जो भी कुछ हो रहा है टू गेट अ क्लियर पिक्चर, दैट कम्स इन द पार्ट ऑफ योर सिस्टम, ठीक है. सो बेसिकली सो कैन यू थिंक ऑफ सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टम्स. अब मैंने तो आपको 3-4 एग्जाम्पल्स बता दिए. सो यू थिंक ऑफ सम अदर सिस्टम कि जो इनपुट सिग्नल ले रहा है, कुछ प्रोसेसिंग कर रहा है एंड देन आउटपुट दे रहा है. तो गिव एग्जांपल्स ऑफ सम सिस्टम्स दैट यू नो फ्रॉम आर डेली लाइफ, यू कैन राइट इन कमेंट्स. ओके, सो
फिर हम चलते हैं आगे द टाइप्स ऑफ सिग्नल्स. तो जो ब्रॉडली क्लासिफाइड हैं हमारे टाइप्स ऑफ सिग्नल्स, दे आर कॉन्टीन्यूअस टाइम एंड योर डिस्क्रीट टाइम. ठीक है, कॉन्टीन्यूअस टाइम जैसे कि डेफिनेशन बता रही है कि इट इज़ प्रेजेंट एट ऑल टाइम, इट इज़ कंटिन्यूअस एट ऑल टाइम, कोई ब्रेक नहीं है इसमें, हर टाइम पे वो प्रेजेंट होगा. एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय योर एक्स टी. ठीक है, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दिस एक्स टी टर्म. अनदर वन इज़ योर डिस्क्रीट टाइम. डिस्क्रीट टाइम जैसे मैं बोल रही हूँ कि उसका कुछ वैल्यूज़ कुछ स्पेसिफिक टाइम पे ही उसकी वैल्यू होगी, इट विल नॉट बी प्रेजेंट फॉर ऑल ऑफ द टाइम. एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एक्स एन. यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट दिस ब्रैकेट एक्स एन, वेयर एन इज़ योर इंटीजर. इन दिस केस इंटीजर मीन्स 0, 1, 2, 3, 4 एज एन इंस्टेंट, जो कि डेसिमल नहीं है वो इंटीजर्स है. तो अगेन आपको जाके थोड़ा सा ब्रशअप करना पड़ेगा कि भाई इंटीजर्स कौन से हैं या कौन से नहीं हैं. अब इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि कंटीन्यूअस सिग्नल में इट टेक्स द वैल्यूज़ ऑफ -7 to 7. ठीक है, तो -7 से +7 तक हर टाइम पे ये प्रेजेंट है कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल. वेयर एज डिस्क्रीट की अगर मैं बात करूँ तो -7, -6 अलग अलग पॉइंट्स पे वो प्रेजेंट है, फ्रॉम -7 to +7. अगर मैं बात करूँ कि -6.5 पे क्या वैल्यू होगी, तो इट इज़ नॉट डिफाइंड एट -6.5. यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग. ओके, सो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे अबाउट योर डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल्स. ओके, सो एज आई हैव टोल्ड यू हियर, एक्स टी इज़ फॉर योर कंटीन्यूअस टाइम. दिस टी इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस टी इज़ अ रियल नंबर. ओके, वेयर इज एक्स एन इज फॉर योर डिस्क्रीट टाइम, वेयर एन इज योर इंटीजर. ठीक है, दिस ब्रैकेट इज इम्पॉर्टेंट, दिस स्क्वायर ब्रैकेट इज वी शुड यूज फॉर योर डिस्क्रीट एंड दिस टी वी शुड यूज़ फॉर योर कॉन्टीन्यूअस टाइम. ओके, सो वॉट एल्स. अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ एक्स टी की, अगर हम बात करते हैं तो सम कॉन्टीन्यूअस सिग्नल लाइक दिस. ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट कि ये टी टाइम एक्सेस हैं एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एक्स टी. रिप्रेजेंटेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. और अगर मैं डिस्क्रीट की बात करूँ, देन आई हैव, दिस इज़ योर डिस्क्रीट सिस्टम. सपोज ये 1 है एंड दिस 1 इज़ योर 2. ओके, एंड दिस इज़ 0, 1, 2, 3 एंड इट इज़ डिफाइंड बाई एन, और इस फंक्शन का वैल्यू होगा योर एक्स एन. ओके, सो डिस्क्रीट की अगर मैं बात करूँ तो एट एन इक्वल्स टू 1 पे इसका वैल्यू कितना है, 1. एट एन इक्वल्स टू 2 पे इसका कितना वैल्यू है, 2. एट एन इक्वल्स टू 3 पे कितना वैल्यू है इसका, 1. और एन अगर 0 की बात करूँ तो इसका वैल्यू है 0. सो लाइक दैट वे योर डिस्क्रीट सिग्नल्स आर स्पेसिफाइड. और अगर हम एक्स टी की बात करें तो दिस इज़ सम साइन वेव, साइन टी और साइन थीटा, जैसे हम बचपन में पढ़ते थे थीटा इज़ फॉर एंगल, बट अभी यहाँ पे एंगल जो है वो टी है. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ योर डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूअस सिग्नल्स आर डिफाइंड. आई होप इससे थोड़ा क्लियर हो गया होगा आपको. नेक्स्ट वन इज़ योर इवन एंड ऑड सिग्नल्स. इवन एंड ऑड सिग्नल्स में क्या है कि इट इज़ डिफाइंड बाय दिस इक्वेशन. इसे अगर एक्स ऑफ माइनस टी इज़ इक्वल टू योर एक्स टी है ना, और अगर आपका एक्स ऑफ माइनस एन इज़ इक्वल टू योर एन है तो इट इज़ एन इवन सिग्नल. फॉर एग्जाम्पल योर कॉस टी, एंड यू कैन से इट इज़ अ मिरर इमेज ऑफ वाई एक्सिस, आप एग्जाम्पल में देख सकते हो. एंड अनादर इज़ योर ऑड सिग्नल, एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स टी, और एक्स ऑफ माइनस एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स एन. इसके एग्जाम्पल हम साइन टी ले सकते हैं. सो यू कैन सी के इट इज़ सेम इन योर फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट योर इवन सिग्नल, वाइल योर ऑड सिग्नल योर दिस इवन सिग्नल एंड योर
और सिग्नल आर सेम इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है. नेक्स्ट इज एनी सिग्नल कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स इवन एंड ऑड पार्ट. यू कैन सी दिस एक्सप्रेशन हेयर, योर एक्स टी इज कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एक्स ई इज योर इवन पार्ट एंड एक्स ओ इज योर ऑड पार्ट. ओके, सो एक्स इवन इज डिफाइंड बाई दिस इक्वेशन, दैट इज हाफ ऑफ एक्स टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी. ऑड पार्ट इज हाफ ऑफ एक्स टी माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी. यू हैव टू रिमेंबर दीज टू इक्वेशंस एंड देन बाय दिस वे यू कैन एक्चुअली ब्रेक एनी सिग्नल इन टू इट्स इवन एंड ऑड पार्ट्स. ओके, सो यू नो दिस इक्वेशन हेयर. ओके, सो कैन यू फाइंड एनी इवन एंड ऑड कंपोनेंट ऑफ योर एक्स टी इज गिवन बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ आई टी. ठीक है, ये एक आपके लिए एक क्वेश्चन है, असाइनमेंट क्वेश्चन. यू कैन टेक इट एज एंड यू हैव टू यूज आइलर थ्योरम फॉर दैट. दिस इज अ हिंट फॉर इट. ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू हियर योर इवन एंड ऑड सिग्नल्स. ठीक है, अब कोई भी सिग्नल दिया हुआ है उसको कैसे पहचाने. वैसे तो मैंने हिंट आपको प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको हिंट दे ही दिया था. सो इफ आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट, ठीक है, इवन सिग्नल इज समथिंग लाइक दिस. ठीक है, सिमेट्री होगा, जैसे कि आपका कॉस हो गया. अब दिस वाई एक्सिस के ये पार्ट, दिस पार्ट इज सिमिलर टू दिस पार्ट. ठीक है, जैसा ये है ऐसा ये पार्ट है. नेक्स्ट इज अगर मैं ऑड की बात करूं, जिसमें एक साइन वेव है. ठीक है, सो योर दिस पार्ट इज सिमिलर टू योर दिस पार्ट. दैट मीन्स योर फर्स्ट एंड योर थर्ड क्वाड्रेंट आर सेम. ये इवन है और ये आपका ऑड है. और इस केस में क्या हो रहा है, आपका फर्स्ट एंड आपका जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो आपका सेम है. ठीक है, सो दिस इज समथिंग यू कैन थिंक ऑफ. आप जो भी मैंने इक्वेशंस की बात करी वो इक्वेशंस आप साइन और कॉस पे लगा सकते हैं एंड देन यू कैन चेक वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट. एंड जो भी मैंने आपको लास्ट में इक्वेशन बताई है दैट यू कैन अप्लाई फॉर द क्वेश्चन गिवन. ओके, थैंक यू वेरी मच.